नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे शेयर बाजार से संबंधित, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर बात करेंगे, जैसे एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी थी मेक माई ट्रिप, मेक माई ट्रिप की ही तरह एक और ऑनलाइन कंपनी है इजी माई ट्रिप, तो मार्केट के अंदर आईपीओ की बाहर चल रही है। सभी अधिकतर बहुत सारी कंपनियां आईपीओ ला रही है, तो इसी कैटेगरी के अंदर एक और कंपनी है इजी माई ट्रिप, वो भी अपना आईपीओ लेके आ रही है। अगर हम इजी माई ट्रिप के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसकी स्थापना 2008 के अंदर दिल्ली के अंदर हुई थी पिट्टी ब्रदर्स की। अगर पिट्टी ब्रदर्स के अंदर बात करें तो निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी, मतलब दोनों भाई थे निशांत पिट्टी और रिकांत पिट्टी, इन्होंने इजी माई ट्रिप की स्थापना की थी 2008 के अंदर दिल्ली के अंदर। इसकी जो हेड ऑफिस है वो दिल्ली है। दोस्तों, लगभग जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियाँ हैं, अगर ई कॉमर्स कंपनियों का मुझे लगता है इस समय एक बूम आया हुआ है। अब अमेजन देख लीजिए, फ्लिपकार्ट देख लीजिए, मेक माई ट्रिप, शादी.com, जीवनसाथी.com, तो एक शायद इनका फ्यूचर, जितने भी ई कॉमर्स साइड हैं इनका शायद फ्यूचर बहुत भविष्य में अच्छा रहने वाला है, और ये अच्छी ग्रो कर रही है कंपनियाँ। ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर पा रही है, आप देख लो सब कंपनी अच्छी कर रही है। अगर हम बात करते हैं इसकी, तो एक ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है इजी माई ट्रिप, एक ऑनलाइन सुविधाएं ट्रैवल से संबंधित जितनी भी सुविधाएं वो आपको ऑनलाइन ट्रैवल ये उपलब्ध कराती है, जिसके अंदर आपको फ्लाइट्स के टिकट हो गए, होटल्स हो गई, फ्लाइट्स हो गए, होटल्स हो गई, ट्रेन्स के टिकट, बस, हॉलीडेज जो टूर होते हैं उनों के लिए हो गया, कैब्स की सुविधा, वीज़ा, एक्टिविटीज़ और गिफ्ट कार्ड इन्होंने नया है, मतलब ये सब सुविधाएँ ये उपलब्ध कराती है इजी माई ट्रिप। यहाँ इसकी ये वेबसाइट खुली हुई है, इस वेबसाइट पर जाके आप इजी माई ट्रिप के बारे में पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, अभी देखिए इतनी ज़्यादा तो अभी जानकारी है नहीं हमारे पास में, सिर्फ कंपनी का जो बैकग्राउंड है, कंपनी क्या करती है, कंपनी के बारे में सिर्फ ये जानकारी हम इस वीडियो के अंदर उपलब्ध करा रहे हैं, क्योंकि अभी इन्होंने आईपीओ के लिए सिर्फ अप्लाई किया है, अभी सेबी से अप्रूवल होगा, उसके बाद आईपीओ आएगा। अगर हम बात करें इजी माई ट्रिप के पास, तो इजी माई ट्रिप के पास 477 वेल क्वालिफाइड और ट्रेंड स्टाफ है इनों के पास में। अगर हम इनों के यूजर्स की बात करते हैं इनों के, कि भाई इजी माई ट्रिप के पास तो 8.81 मिलियंस यूजर इनों के हैं। और अगर बात करते हैं नेटवर्क की, तो दोस्तों इनों की ऑफिस क्या, इनों के पास एक मजबूत, मतलब B2B जो होता है, B2B का एक मजबूत नेटवर्क इनों के पास में। और अगर टोटल इनों के एजेंट या हम पार्टनर की बात करें, तो 52,752 इनों के रजिस्टर्ड ट्रैवल एजेंट पार्टनर हैं इजी माई ट्रिप के। अगर हम कॉरपोरेट कस्टमर की बात करें, तो कॉरपोरेट कस्टमर इनों के पास 10,477 कॉरपोरेट कस्टमर इनों के पास में है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, एक मजबूत इनों के पास एक क्या कह सकते हैं, एक बनी हुई है मजबूत बेंच बनी हुई है इनों के पास में। 52,752 एक रजिस्टर्ड एजेंट है इनों के पास में, और उसके बाद 10,477 कॉरपोरेट कस्टमर है, ठीक। अगर हम इसकी बात करें कि इनों के ऑफिसेज, तो इंडिया के अंदर इनों के नोएडा के अंदर, बेंगलोर के अंदर, मुंबई के अंदर और हैदराबाद के अंदर इनों की ऑफिस है। इंटरनल अगर हम विदेश की ऑफिसों की बात करें इनों के, तो सिंगापुर, UAE और UK के अंदर, विदेश के अंदर इनों की ऑफिस है। अब इन्होंने आईपीओ के लिए दोस्तों लगभग जो DRH पे लिस्टिंग के लिए डालते हैं सेबी के अंदर, वो दिसंबर 2019 के अंदर इन्होंने अप्लाई कर दिया था। अब सेबी से जब अप्रूवल आ जाएगा उसके बाद आईपीओ आ जाएगा, तो बाकी की डिटेल जो भी है आईपीओ से संबंधित डिटेल वो हम बाद में बताएंगे जब आईपीओ सेबी से अप्रूवल मिल जाएगा। अभी तो सिर्फ हमने आपको कंपनी के बारे में जानकारी बताई है कि इजी माई ट्रिप क्या करती है, इजी माई ट्रिप के पास उसका बैकग्राउंड बताया है, इसका आईपीओ आने वाला है। तो दोस्तों तैयार रहिए, ये आईपीओ बहुत जल्द आने वाला है। और उम्मीद करते हैं दोस्तों ऐसे वीडियोस और देखने के लिए आप हमारे चैनल से के साथ जरूर जुड़े रहेंगे, इसलिए जुड़ने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अदर वीडियोस देखने के लिए दोस्तों चैनल के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद दोस्तों।